ಇಲ್ಲದಾ ಅಗ್ರದಿಂದ ಏ मैं नया नया आया था दिल्ली में, मैं पंडित बिरजू महाराज जी की क्लास में बैठा था और वो उस समय ये तिहाई बज रही थी और ये उन्हीं की तिहाई है और आज तक मेरे दिमाग में है, मोर देन 22 इयर्स। आज पहली बार मैं इस तिहाई को करूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और ये महाराज जी ने बनाई भी बड़ी खूबसूरती से है। तकड़ी की तिहाई है और गिनती भी है। एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो चार तकट एक दो चार एक दो पांच तकट पांच तकट पांच तकट दा एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो चार तकट एक दो चार एक दो पांच तकट पांच पांच तकट दा एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो चार तकट एक दो चार पांच तकट पांच तकट पांच तकट। इसका बीच का ये एक्चुअली महाराज जी बोल रहे थे तो मुझे वो शायद उनकी वो अदा पसंद आई जिस तरह से बोल रहे थे, तो थोड़ी सी छवि है और बहुत कमाल की तिहाई है। एक तकिट एक दो तकिट एक दो तीन तकिट एक दो चार तकिट एक दो चार एक दो चार एक दो पांच तकिट पांच तकिट पांच तकिट दा एक तकिट एक दो तकिट एक दो तीन तकिट एक दो चार तकिट एक दो चार एक दो पांच तकिट पांच तकिट पांच तकिट दा एक तकिट एक दो तकिट एक दो तीन तकिट एक दो चार तकिट एक दो चार एक दो पांच तकिट पांच तकिट पांच तकिट दा। नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं इस देश के जाने माने कथक डांसर और उनकी परंपरा पर बातचीत करेंगे, उनके अपने उस सफर पर बातचीत करेंगे जो नृत्य कथक में उन्होंने अभी तक तय किया है। स्वागत कर रहे हैं बहुत विनम्रता से अभिमन्यु लाल जी का। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो कथक के सफर पर तो बातचीत होगी, लेकिन पढ़ा मैंने कि आपकी तो ख्वाहिश पहले गायक बनने की थी, तो ये क्या कहानी है? कहानी में कोई सच्चाई है भी या ये सिर्फ ऐसे ही प्रचारित प्रसारित कर दी गई? नहीं, काफी सच्चाई है, काफी सच्चाई है। मुझे गाने का बहुत शौक था और मुझे गाना सीखना था, लेकिन गाने में एडमिशन मुझे नहीं मिला तो कथक केंद्र में मुझे एडमिशन मिला। तो मैंने सोचा अब गाने में नहीं मिला है तो कथक सीखते हैं, पर मुझे म्यूजिक फील्ड से लगाव था तो मैंने कथक सीखना शुरू किया और मुझे फिर इसमें इतनी रुचि आ गई कि देन आई कंटिन्यूड। अच्छा अभिमन्यु जी, मुझे एक चीज और बताइए, तमाम जो कलाकार जिस तरह से आप लोग एक परंपरागत तरीके से आते हैं, जहां पर परिवार में बचपन से ही आपको मतलब घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कलाकारों का रियाज चल रहा है, शिष्य जो है वो सीख रहे हैं, ये सवाल, इस सवाल का 100 में से 100 कलाकार एक ही जवाब देते हैं कि बचपन में माहौल ऐसा था कि बस सीखना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्या अपने अंदर की भी तो इच्छा होती होगी, क्या ये 100% तय है कि मैं कलाकार के घर में पैदा हुआ हूं तो मेरी सीखने की इच्छा हो ही जाएगी? ऐसा तो नहीं होता होगा, आप देखते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा, आप आकर्षित होते होंगे, तभी तो सीखेंगे आप, वरना तो फिर ये परंपरा मतलब कई हजार साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि माहौल मिल गया इसलिए मुझे यही करना है, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का बेटा, मैं बोलूँगा कि वो, मैंने बहुत कोशिश की वो कथक सीखे मेरे साथ, मेरे इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लेके 5 साल सीखा जरूर। मेरे घर में माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन बहुत अच्छा, और उन्होंने 5 साल टॉप किया है कथक केंद्र में, लेकिन उसको नहीं सीखना है। तो मैं अब वो कुछ अपने तबले में उसकी रुचि आ गई, तबला भी बजाया, कहता है मुझे लॉ करना है,
तो ये जरूरी नहीं कि आपके घर में उस चीज का माहौल है, बट हाँ अगर उस माहौल से अगर बच्चा अट्रैक्ट होता है, अगर उसको इस फील्ड में आना है, तो उसको शायद हम आसानी से प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि हमें वो पता है। बाकी अगर वो फील्ड किसी और फील्ड में जाते हैं तो हम उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, यही एक फायदा है। लेकिन माहौल मिलने से बस यही है कि थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता रहता है, माँ बाप आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा सिखाते हैं। बेटा तो अगर रियाज भी कर रहा है दूर, तो वो कान में उनके पड़ता है कि नहीं 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 ये गलत हुआ, इसको सही करिए। इस चीज का फायदा जरूर है, माहौल मिलने से आपकी रुचि इस तरफ आप इंक्लाइन होंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जो लोग इस जी इंटरव्यू को देख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी बहुत बड़े कलाकार के घर में पैदा हुए हैं तो आप कलाकार बन ही जाएंगे। आपकी अपनी अपनी इच्छा, आपका अपना समर्पण, आपके अपने संस्कार भी उस तरफ ले जाते हैं। अभिमन्यु जी, ये भी बताइए कि जब आपने ये आपके सामने जब ये झटका लगा कि नहीं गायकी तो नहीं सीख पाएंगे, तो ये स्वतः अंदर से आया या फिर लगा कि चलो अब कथक ही सीख लेते हैं? नहीं, फायदा ये हुआ कि मेरी गुरु को गाना भी आता है, तो मैंने उनसे, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल गायक के रूप में अपने आप को मैंने कभी ऐसा पेश नहीं किया है, लेकिन मैंने गाना उनसे मैं सीखता हूँ, मैंने हारमोनियम उनसे सीखा, मैंने उन्हीं से तबले और पखावज की थोड़ी नॉलेज ली, क्योंकि हमारे हमारे केंद्र में ही आपको ये सब सीखना जरूरी होता है, गाना भी तबला भी योगा भी। तो इसको मुख्य बना के साइड में मैं गाना भी गाता हूँ, अपने गुरु से गाना भी सीखा, तो वो भी इच्छा जो है मेरी साथ साथ चल रही है, आज भी सीखता हूँ। बिल्कुल, इस इंटरव्यू को हम दरअसल दो हिस्से में एक तरीके से कर रहे हैं। दो हिस्से में इस तरह से कि हम आपकी जो गुरु हैं, जो आपकी माँ भी हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, उनके गुरु होने और उनके माँ होने के जो आपके संदर्भ हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके बारे में जो बात हो रही है, आपके जितने भी कार्यक्रम, अच्छा पहले पहले तो ये प्रश्न रह जाएगा, वरना आपने कहा कि गायकी भी सीख रहे हैं, कथक आता ही है, योगा है, तबला है, हारमोनियम है, ये सारी चीजें सीख लेने से जो आपके अंदर का कलाकार है, निसंदेह वो और ज्यादा मेच्योर होता है, वो और ज्यादा परिपक्व होता है। सहमत हैं आप इस बात से? जी बिल्कुल सहमत। और कितनी कितनी मदद मिलती है एक दूसरी चीजों, एक एक चीज को समझने से दूसरे चीज में? यानी मान लेते हैं आप तबले की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, या साहित्य की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, या संगीत की, रागों की अच्छी समझ रखते हैं, उसका एक कथक में कितना ज्यादा फायदा मिलता है? सबसे पहले तो जैसे हम कोई भी रचना अगर हम सोच रहे हैं कि अब हमें ये करना है, या हमें किसी कोई टॉपिक पे अगर करना है, तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है म्यूजिक, कि हमें म्यूजिक बनवाना है। तो आपने म्यूजिक डायरेक्टर बुला लिया, आपने म्यूजिक का म्यूजिक कंपोज हो गया, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या आप म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं या डांस आपके म्यूजिक पे हो रहा है। दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो बेसिकली आपकी आत्मा आपका नृत्य है, और उस नृत्य पे म्यूजिक बनना चाहिए, ना कि हमें म्यूजिक पे डांस करना। तो अगर हमारा म्यूजिक बन गया, पहले हमने बता दिया हमें ये सोचा है, तो यहाँ सबसे बड़ी मदद ये मिलती है कि आपको जब नॉलेज है तो आप अपनी तरीके से अपनी चीजें कंपोज करके अपने जो भी आपने सोचा हुआ है उस सपने को साकार कर सकते हैं मंच पे। तो सबसे पहली मदद यहाँ मिलती है। और जब जहां तक तबला और पखावज इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, वहां पे आपको एक्सप्लेन करने में सहूलियत हो जाती है कि मुझे ये बोल यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि ये बोल मुझे खटक रहा है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है, क्योंकि यदि आपका नृत्य हम अपने ही म्यूजिक पे कर रहे हैं, आपको बता दूं कि मैंने आज तक मुझे मैं 1987 से मैं नाच रहा हूँ प्रोफेशनली, और मुझे डेजलिंग आर्टिस्ट डेजलिंग कथक डांसर का किताब लीला वेंकटरमन जी ने दिया था हिंदू में, उसमें हिंदुस्तान के सारे गुरु लोग अपने बेस्ट शागिर्दों को उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिसमें मैं भी एक था। तो आप देखिए कि मैं तब से नाच रहा हूँ, और आज तक मैंने कभी भी किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का नृत्य पे नहीं किया, उनके कंपोज म्यूजिक पे मेरे गुरु ने ही किया है, क्योंकि उनके फादर एक क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने उनसे बहुत सारी बंदिशें सीखी हैं। तो हम लोगों को ये सहूलियत मिल जाती है कि मैं अपनी आत्मा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, यदि मुझे
म्यूजिक, तबला, ये सब चीजों का नॉलेज है तो ये सबसे बड़ी मदद मिलती है, इसलिए इन सब चीजों का आना जरूरी होता है। और आपके नृत्य मतलब जिन कार्यक्रमों को देखने का मुझे सौभाग्य मिला है, और वैसे भी कथक में मंडी हाउस के आसपास जो अभी भी तमाम सारे लोग घूमते रहते हैं, उनसे जब आपकी जिक्र हो तो होता है कि यार उनका फुटवर्क जरूर देखना, और वो फुटवर्क आपके की तारीफ जो है, मतलब जो लोग भी कथक प्रेमी लोग हैं जो जाते हैं फॉलो करते हैं कथक डांसर्स को, आपके फुटवर्क के बड़े मुरीद हैं, वो उसका कोई राज है या वो आपका मतलब वो रियाज है, तो राज है या रियाज है? नहीं, राज कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कभी कोई राज रखता नहीं, कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज सब जाने, और राज सिर्फ और सिर्फ रियाज है, और गुरु के सानिध्य में रियाज हो तो फुटवर्क। क्योंकि देखिए, शरीर पूरा शरीर जब हिलता है तो जब आप फुटवर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है हिलेगा, लेकिन फुटवर्क ऐसा हो कि नीचे बढ़िया फुटवर्क, बहुत फास्ट तेज सब, बहुत दायकारी वगैरह सब बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन शरीर पे उसका असर ना पड़े। और राज यही है कि आप इतना रियाज कर लें कि आपके उस रियाज से कोई राज आपका छुपा ही ना रहे। तो अभी कितने घंटे आप रियाज करते हैं, चलिए ये भी बता ही दीजिए अब। देखिए, रियाज करने की जो उम्र होती है वो है आपकी शादी से पहले। ठीक है, आप खूब रियाज कर लीजिए, उसके बाद में प्रोफेशन में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, परिवार में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो वाला समय फिर आप नहीं ला पाएंगे। आप उससे पहले जितना हो सके रियाज करिए। मैं कहता हूं घुंघरू कम से कम 6-7 घंटे आपके पैर में होने चाहिए, भले ही आप रियाज ना करो 7 घंटे, लेकिन उस घुंघरू पहनने से आपको यह एहसास होता रहता है कि मेरे पैर का वजन ये है और मैं इस वजन को लेके तत्कार कितनी देर तक कर सकता हूँ। या मैं तत्कार से ही सिर्फ रियाज नहीं होता, हस्तक हो गए आपके, लयकारियां हो गई आपकी, फुटवर्क एक पर्टिकुलर स्पीड पे ले जाके वहां रुकना, फिर वहां पे जातियों से खेलना, और जब जाति से आप खेलने लगते हैं तो फिर आपको जब लहरा बजता है तो उस लहरे के 8 मात्रा तक जाने के बाद में कितनी जगह बचती है, 8 बजा, अब उस 8 में आप क्या क्या कर सकते हो कि तिहाई बन के भी आ जाए और उस बोल को लेके चल के बहुत ही खूबसूरत तिहाई बन के आए। ये जातियों का कमाल है, और ये जाति के साथ में खिलवाड़, मतलब खेल खेल में ही आप इतना रियाज कर जाए कि फिर लोग यही सवाल जैसे आपने किया कि फिर इसका राज क्या है। इसका राज सिर्फ रियाज है। सही बात है, और रियाज तो मतलब हर हर गंभीर, हर काबिल, हर जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका ये कहना है कि रियाज के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अच्छा अमनी जी, ये भी बताइए कि जैसे गायकी में मैं देखता हूँ या डांस में भी देखता हूँ कि एक एक तो चीज है कि आप उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो डिटेलिंग है उस फॉर्म की, वो भी साथ साथ दिखाते जाए, और एक तरीका है कि आप मंच पर गए और आपने, अगर अगर गायन की बात हम करें कि बहुत तेजी से सरपट ताने मारी दो चार और उसके बाद कुछ बहुत ही एकदम अफलातून जैसा ऐसा कर दिया कि लोग चौंक जाएं कि यार ये क्या कर दिया, आपके नृत्य में जितना दिखाई देता है, जितना लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि सिर्फ वो तेजी तैयारी नहीं दिखाई देती, जहां अभिनय दिखाना है वहां अभिनय भी दिखता है, जहां भाव पक्ष आना है वहां भाव पक्ष भी आता है, ये कितना जरूरी है, और ये आजकल के जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए कितना जरूरी है कि वो इस बात को समझें कि नृत्य जो है, अगर कोई चीज 100% है तो वो उसका एक तालमेल है, उसमें एक अनुपात है कि इतना अभिनय का पक्ष है, इतना फुटवर्क का पक्ष है, या इतना आपके प्रेजेंटेशन का, कोरियोग्राफी का पक्ष है, कोई एक पक्ष बहुत हावी करके आप बहुत संपूर्ण कलाकार नहीं बन सकते। संपूर्ण कलाकार बनने के लिए नृत्य के सभी जो पक्ष हैं, सभी जो डिटेलिंग है, उसमें घुसना पड़ेगा। देखिए, बहुत देर तक तो तत्कार भी नहीं हो सकती, और बहुत देर तक चक्कर भी नहीं हो सकता, और पूरे समय भाव भी नहीं कर सकते। आजकल का समय ऐसे है कि सबको सब दिखाई, कथक का जो रेपर्टुआर है उसमें आप एक चीज से आप समा नहीं बांध सकते हो, समा बांधने के लिए आपको सारे एस्पेक्ट एस्पेक्ट आने चाहिए। और जहां जैसे आपने ताने तानों की बात की है, तो ठीक है, ताने कहीं कहीं अच्छी लगती हैं, हमेशा तो नहीं अच्छी लगती, तैयारी हर जगह नहीं मजा आता उस उपज में। अब धीरे धीरे जिस तरह से वेव्स आती हैं, आपका परफॉर्मेंस चला धीरे धीरे, फिर आपने उसको थोड़ी सी और स्पीड दी तो उसमें क्या हुआ, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमारा रिपर्टुआर को पहले पहले भजन, फिर उपज, फिर ठाट, फिर आमत, फिर उठान, फिर परने, फिर ठुमरी, भजन, जो
जो भी इस तरह से आपकी लैब बनती रहती है, तो सारे एस्पेक्ट आने चाहिए। जैसे कि अभी आपने पहले पूछा कि गाने की बात, तो जैसे आप तो मतलब कहते तो सब हैं कथा कहे सो कथक, लेकिन कथक क्या कथा का कोई भी एलिमेंट आज आपको कथक में दिखता है? कोई कथा कहता है? ठीक है, हमारा तोड़ा टुकड़ा सब मिला के उसमें उसमें भी साहित्य है, लेकिन जब आप पूरे इवनिंग की बात करते हैं एक डांसर की, तो जैसे मैंने किया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद मुझे सालों से नाचने के बाद में मुझे यह एहसास होता है कि मुझे जितने भी परफॉर्मेंसेज मिले हैं, एक शो करने के बाद दूसरा शो मिल, जैसे मैं अक्सर कहता भी कि यदि आपको बहुत ताली मिल गई, स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, मायने तब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि एक परफॉर्मेंस किया, दूसरा परफॉर्मेंस या तो तुरंत मिल जाए या फिर दूसरे दिन मिल जाए, वो सक्सेस है। तो इसी बात को मैं अक्सर बोलता भी हूँ और मैं अभी भी बोलूंगा कि वो कोई कथा तो नहीं कहता है, लेकिन उस एलिमेंट को मैंने गा के, अभी मैंने मुंबई एनसीपी में भी मैं नाचा, सिंगापुर में भी नाचा, कई जगह नाचा मैं, वो आइटम कथा कहे सो कथक का एक छोटा एलिमेंट मैं द्रौपदी चीरहरण का वो मैं करता हूँ, खुद गा के करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा समय हो तो मैं खुद बजा के भी उसकी एंट्री लेता हूँ। तो ये सारे चीजें हैं कि आप सब भाव भी करिए, आप उपज भी करिए, आप तोड़े टुकड़े परने चक्कर सब कुछ करिए, लेकिन हर एक चीज को बड़ी खूबसूरती से करिए, उसमें इतना रियाज हो कि सब में आपकी चमक दिखे, तब आप एक एक सक्षम कलाकार कहलाएंगे या दिखेंगे। एक कला का एक एक प्रश्न मेरा और बहुत पसंदीदा है, जो मैं हर कलाकार से लगभग पूछता हूं जो नृत्य की दुनिया में है, कि जब आप किसी चीज को कंसीव करते हैं कि मुझे डांस करना है, और आज चार लोग आप लोग बैठे और आपने कहा कि साहब हम प्रकृति पर करेंगे या हम पानी पर करेंगे, अगर हम ये कृष्ण और जो परंपरागत विषय है उनसे अलग हटकर कुछ नया सोच रहे हैं, तो क्या कुछ ध्यान में रखते हैं आप? कौन सी दो तीन चीजें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं कि हाँ, अगर नृत्य करना है और कथक की परंपरा को कायम रखते हुए नृत्य करना है, तो विषय वस्तु चुनते वक्त आप कौन सी दो तीन बातों का मोटा मोटा ध्यान रखते हैं? सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि जो आपको आता है आप करेंगे वही, लेकिन आपको गुरु इतना दे दे कि आप ऑडियंस का मूड देख के उनके मूड के हिसाब से यदि आप नृत्य करें तो आप सक्षम कलाकार हैं। यही नहीं कि मेरे मैंने तो आज की इवनिंग के लिए यही सोचा और मैं यही करूंगा, मैंने कई जगह अपना रेपर्टवा पूरा का पूरा वही एंट्री करने से पहले बदला है, ऑडियंस का मूड समझ गए, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या देखना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सब दिखा के अपना बना लेता हूँ। और मैं ऑडियंस, जब तक ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट नहीं करता हूँ ना, मुझे खुद नहीं मजा आता है। तो आजकल का भी टॉपिक लिया है, हमारे गुरु ने कंपोज किया है कौन बनेगा करोड़पति, कितना मशहूर हुआ था, फिर ट्विन टावर अटैक, आई थिंक ये 2000 या 2002 में हुआ था, ये उस साल के जितने भी अपने लगान उस समय हिट हुई थी, तो ये सारे को मिला के हमारे गुरु ने कंपोज किया था, एक 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 नृत्य संरचना उन्होंने की थी और बहुत हिट था, उन्होंने बहुत जगह उसको किया। फिर बीच में ये हमारा द स्पिरिट करके एक रॉकेट लॉन्च हुआ था, उस पर हमारे गुरु ने बनाया, तो हमारे गुरु ने बोला कि मम्मी ने बोला कि वेस्टर्न ड्रम पे मुझे कुछ करना है कथक, उसके लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया, बोले कि तो बहुत लोगों को बुलाया नहीं हो पाया उनसे, तो मम्मी ने बोला आप खुद सीखिए, मैंने सीखा और हमने उसको प्रेजेंट किया। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वही करते हैं जो हम समय के साथ भी थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट म्यूजियम वाला कथक ना हो, अब पॉसिबिलिटी इसमें है, कथक नहीं है, हम कहते हैं ना कि हमारे परने तोड़े टुकड़े मोस्टली सब वही है, लेकिन हर एक व्यक्ति के उस परन को लगाने का अंदाज कुछ और होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में जरूर रखें कि हमें सिर्फ ढर्रे वाला वो पौराणिक कथाओं पे जो पहले होता है वो तो मंदिरों में होता था, आज तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कथक समय के साथ चल रहा है और मैं इन सब चीजों में बहुत यकीन रखता हूँ, तो ये सब चीजों का ध्यान भी हमें रखना है और मैं रखता हूँ। बिल्कुल, आप रखते हैं, और तभी इसी से जुड़ा जो अगला प्रश्न है वो यही है कि तभी संभवतः खेलों का महाकुंभ है ओलंपिक्स, लेकिन उसमें भी आपकी एक एक भागीदारी रहती है। वो अनुभव कैसा था? वो उसके यही इसी से जुड़ा हुआ, मतलब जो भी आप बात कह रहे थे कि मान लेते हैं आपके पास कोई आए और कहे कि साहब हमें ओलंपिक्स में ना आपका एक हम इस तरह का ओपनिंग सेरेमनी सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं और वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है,
अब आप कहिए कि नहीं साहब मैं परंपरागत आदमी हूं, कहां कथक कहां ओलंपिक्स, नहीं नहीं ये तो मेल नहीं खाता, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप रिप्रेजेंटेशन कथक का कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं, इस देश की नृत्य शैली का कर रहे हैं, संभवतः ऐसा ही जहन में रहता होगा। हाँ बिल्कुल रहता है भाई, उनकी जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे तो आपको करना तो हमें कथक ही है, बस हमें सिर्फ सोचना है कि हम इस चीज को उससे जोड़ें कैसे। अगर आप मुझे ऐसे निमंत्रण देंगे तो मैं बड़ी खुशी खुशी करूंगा और उसको पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने मुझे टॉपिक दिया है उस टॉपिक पे मैं अड़ा रहूं और कथक ही के जरिए सबको बताऊं बहुत कुछ हो सकता है। अभिमन्यु लाल जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल रात एक बार फिर ठीक 10 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, इस बातचीत का दूसरा हिस्सा देखेंगे और उस हिस्से में बातचीत करेंगे गुरु गीतांजलि लाल जी की, जो कि कथक की विश्वविख्यात कलाकार हैं, अभिमन्यु जी की माँ हैं और उनकी गुरु भी हैं। कैसा है माँ गुरु और बेटे का रिश्ता, और कैसी रही हैं बचपन की शैतानियां, और क्या रहा है उसका नतीजा, ये सारी बातचीत कल रात ठीक 10 बजे।